भाई मुझे प्लीज मेरा बच्चा ला दे, मैं दोबारा उस घर की तरफ मुड़ के भी नहीं देखूंगी। मैंने अपने सुकून के लिए रूमी को बेसुकून कर दिया। पता नहीं उस बेचारी से क्या क्या कह रहे होंगे। ये तो होना ही था सारे, एक ना एक दिन ये बात तो खुलनी थी। अच्छा हो गया अब खुल गई। तो सब में उसका क्या कसूर है यार? उसको तो सारे मामले का पता भी नहीं है, वो बिल्कुल अनजान है मेरी मोहब्बत से। मैं सिर्फ ये सोच रहा हूँ कि जब उसे सारे मामले का पता चलेगा वो मेरे बारे में क्या सोचेगी यार। मुझे सोच सोच के शर्मिंदगी हो रही है। सारे पुरानी बातें छोड़ो ना, अब ये सोचो कि आगे क्या करना है। क्या मतलब? सैरिश रूमी के साथ अच्छा बर्ताव तो कर नहीं रही हूँ, अब हमें रूमी के लिए कुछ करो। नहीं माँ, मैं ऑलरेडी तुम्हारी बातों में आके रूमी को तकलीफ पहुंचा चुका हूँ। दोबारा तुम्हारी बातों पे आके उसके लिए कोई नई परेशानी नहीं खड़ी करना चाहती। नहीं सारम, तुम्हारा मकसद सिर्फ सैरिश से शादी से इनकार करना नहीं था, बल्कि रूमी के साथ शादी करना था। अब तो अपना इरादा और भी मजबूत करो। बल्कि हम एक काम करते हैं, हम आंटी अंकल को बिठाते हैं और उनसे बात करते हैं, वो अपने तजुर्बे के हिसाब से हमें बहुत अच्छा मशवरा भी दे सकते हैं। नहीं, फिलहाल हमें खामोश रहना है। वैसे भी बाबा ने कहा वो सारे मामला हैंडल कर लेंगे। लेकिन ये बात पता कराना भी जरूरी है कि वहां चल क्या रहा है, और इसमें अरीशा हमारी हेल्प कर सकती है। अच्छा ये बताओ कि सारिन से पहली बार तुम्हारी मुलाकात कब और कहाँ हुई थी? शादी से पहले शांजे बाबी के साथ मॉल गई थी। हाँ, फोन गिर गया था उसका। उसके बाद कहीं नहीं मिली? मिली थी शादी के बाद, एक दावत में टकराव हुआ था, वो भी सरसरी से मुलाकात थी। मुझे क्या अंदाजा था कि सारिन को ये सब कुछ याद होगा, मैं तो बिल्कुल भूल चुकी थी मम। जब मंगनी के बाद सैरिश उसे अपने मंगेतर की हैसियत से घर लेकर आई, तो उसने मुझे याद दिलाया कि उसकी मुलाकात मुझसे पहले भी हो चुकी है। कोई और खास बात? और क्या बात होगी अम्मी, मुझे तो उसका नाम तक याद नहीं था। मैं हमेशा उसे सैरिश के मंगेतर की हैसियत से ट्रीट करती रही। मुझे क्या पता था कि उसकी वजह से मेरा बच्चा मुझसे अलग हो जाएगा। सैरिश ने जो उल्टे सीधे इल्जामात मुझ पर लगाए, उसका दुख उसकी तकलीफ हमेशा रहेगी मुझे। लेकिन सारे उसकी वजह से तो मेरा किरदार ही दागदार हो गया। ना वो ये सब कुछ करता, ना मुझे सैरिश घर से निकालती, ना आहिल मुझसे अलग होता। उसे कभी माफ नहीं करूंगी। हम ये काम करें, आप मुझे घर लेकर चले। मैं मम्मा पापा से कहूंगी, मैं उन्हें यकीन दिलाऊंगी कि मैं ऐसी नहीं हूं, वो मानेंगे। देखो रूम, अगर उन्हें ये यकीन करना होता ना, तो वो तुम्हारा नाम लेने के बजाय सारिन को खामोश करवा देते। लेकिन उन्होंने इसके बरक्स ये सारी तफसील तुम बेटी को बता दी। इसका मतलब तो यही है ना कि उन्हें तुम पे यकीन नहीं था। लेकिन मैं तो बेगुनाह कटहरे में खड़ी गई हूँ ना मैं। अब आप बताएं मैं क्या करूं? आहिल के बगैर नहीं रह सकती।
मुझे सिर्फ और सिर्फ अपना बेटा चाहिए बस, और किसी की परवाह नहीं है मुझे। अच्छा तो आप यहां बैठे हैं, कब ब्लड प्रेशर चेक किया था, अभी तक हाई है। आप थोड़ी देर आराम कर लीजिए ना, यहाँ क्यों बैठ गए? ये जो कुछ चंद दिनों से इस घर में हो रहा है, मुझे बड़ी परेशानी है। मैं चाहता हूं कि रूमी की जिंदगी किसी तरह से किसी परेशानी में ना फंस जाए। फैजान ने सारिन से बात ही नहीं की, और फैजान से अगर कोई पूछेगा कि तेरी बेटी की मंगनी क्यों टूट गई, तो वो तो यही कहेगा ना कि सारिम को रूमी से मोहब्बत थी, इसलिए उसने सहरी से मंगनी तोड़ दी। सब मुझे, मैं तवक्को ही नहीं करता था सारिम से कि इसको हम क्या मकाना हरकत करेगा। वो तो सब ठीक है, लेकिन बताएं कि इस मसले का हल क्या होगा? ये तो मैं सोच रहा हूँ क्या करूँगा भाई। अगर उसे सहरी के साथ मंगनी नहीं करनी थी तो पहले बता देता, हम रूमी के साथ करवा देते। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि हमें सारिम की शादी रूमी से करनी चाहिए थी? अब क्या करते, जो होना था वो तो हो गया, उसने तो कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी। और अगर गुंजाइश होती भी तो आप ये बात क्यों भूल जाते कि वो एक बच्चे की माँ है? बहुत अफसोस हुआ मुझे तुम्हारी ये बात सुनकर। तुम वीमेन सोशल वेलफेयर की चेयरपर्सन हो, और अपने बारे में अगर तुम्हारे ये ख्याल आते हैं तो फिर क्या होगा बाकी हुआ? ये बिल्कुल ऐसा नहीं है जैसा आप समझ रहे हैं। ये बच्चा होता नहीं, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। अरे भाई, अगर सारिम को कोई एतराज नहीं है इस बात पे, तो फिर हमें क्या एतराज है? सारिम को इस बात की तसल्ली कर लेनी चाहिए कि सिर्फ बच्चे को अपनाने से कुछ नहीं होगा, प्यार मोहब्बत बहुत कुछ करना पड़ेगा उसे। अच्छा चलो, अभी तो बहुत दिन है, देखें क्या होता है। अच्छा छोड़े ना प्लीज, आप खामखा टेंशन ले रहे हैं, ब्लड प्रेशर वैसे ही आपका हाई है, आप चलें आराम कर लीजिए। मम्मी, मैं अपने कामों में बिजी होती हूँ, रानी से आहिल को संभालना नहीं जा रहा है, काम करते कि हम उसके लिए ना 24 आवर एक मेड रख लेते हैं जो उसका अच्छे से ध्यान रखेगी। ठीक कह रही हो, तो माँ को तो सिवाय अपनी खुशी के कुछ और याद ही नहीं है, औलाद की भी फिक्र नहीं है। रूमी को मैं इतना बेहिस नहीं समझती थी। लोग ठीक कहते हैं, शादी अपने बराबरों में ही करनी चाहिए। बड़ी जल्दी याद आया आपको ये, जब सब कुछ तबाह हो गया। अच्छा ठीक है, तुम अंदर जाओ, मैं जरा आयल को देख कर आती हूँ। अम्मी और रूमी क्या कर रहे थे? अम्मी तो हर वक्त रूमी के साथ होती हैं। अयान भी मुझसे हर वक्त पूछता रहता है, आहिल कहाँ है, फूफो क्यों रो रही हैं। देखें आरिफ, मसला कोई भी हो, मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि मेरा घर डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। उस दिन भी देर रात की वजह से अयान को स्कूल से छुट्टी करवानी पड़ी थी मुझे। क्या मतलब क्या तुम्हारा कि मेरा घर डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए? साफ साफ बताओ क्या कहना चाह रही है। शान से किस कदर बेहिस हो चुकी हो तुम। मेरी बेचारी बहन छोटी सी उम्र में बेवा हो गई, उसके ससुराल वालों ने बच्चा छीन लिया उससे, और तुम कह रही हो कि वो सोग भी ना मनाए कि खुदा ना खासा तुम्हारा घर डिस्टर्ब ना हो जाए। हैं? देखिए आरिफ, इसे बुरा मनाने वाली बात नहीं है, आपकी बहन है वो, इसलिए आपको उसमें कोई बुराई नजर नहीं आ रही। जब तक कोई बात होती नहीं ना, बात बनती नहीं है, और यूं ही कोई उसको बुरा भला क्यों कहेगा भाई? एक मिनट, क्या मतलब क्या तुम्हारे इस बात से कि उन्होंने रूमी पे जो बोहतान लगाया वो दुरुस्त है? ऐसा नहीं कहा मैंने। हाँ, मगर मफहूम तो यही था ना तुम्हारा।
अब मेरी एक बात तुम कान खोल के सुन लो शान से। आज के बाद अगर तुमने मेरी बहन के बारे में कोई भी ऐसा लफ्ज मुंह से निकाला ना, तो फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं तुम्हारी बहुत सी बातें सुनता हूँ, बर्दाश्त करता हूँ, पी भी जाता हूँ, लेकिन मेरी बहन के किरदार पे मत जाना। आगे समझ? वालेकुम सलाम। क्या बात है अरीशा, परेशान लग रही हो। साहिम भाई, वो मुझसे गलती हो गई और जब तक मैं आप लोगों को बताऊंगी नहीं, मुझे सुकून नहीं मिलेगा। क्या बात है, बोलो तो सही। साहिम भाई, वो सैरिश ने गुस्से में आकर रूमी भाभी को घर से निकाल दिया और आहिल को भी ले लिया। क्या? तो अंकल और आंटी ने भी उसको मना नहीं किया, कैसे कर सकते हैं वो ये सब? वो अंकल आंटी उस वक्त यहाँ पर थे। तो सैरिश को कैसे पता चला फिर? माहम उस दिन जब सारेम भाई रूमी भाभी के बारे में फैजान अंकल को बता रहे थे तो तुमने बगैर कुछ सोचे समझे, बगैर तफसील जाने सैरिश को सब बता दिया। फोन किया होगा ना तुमने? जी। तुम्हें अंदाजा भी है कि तुमने क्या किया अरीशा उस मासूम के साथ? सैरिश ने आधी रात को उस बेचारी को घर से निकाल दिया यार, बच्चा छीन लिया उसका, पता नहीं क्या गुजरी होगी उस पे, घर भी कैसे पहुंची होगी वो। तुम्हें ये सैरिश ने सब कुछ खुद बताया? माहम, मैंने उसको डिटेल बताने के लिए फोन किया था कि रूमी भाभी का इसमें कोई कसूर नहीं और ये सब सारे भाई की वन साइडेड फीलिंग है। तब उसने मुझे बताया कि उसने रूमी भाभी को उसी रात घर से निकाल दिया था। देखा सारे, तुम्हें मैं कहती थी ना, सैरिश जैसी नजर आती है वैसी बिल्कुल नहीं है। लेकिन वो इतनी घटिया हो सकती थी, इस बात का अंदाजा तो मैं भी नहीं कर पाई। इतना बड़ा इल्जाम कितनी आसानी से लगा दिया सैरिश ने रूमी पे। उस मासूम को तो मेरी फीलिंग्स का तक नहीं पता यार, इट इज वन साइडेड। क्या गुजरी होगी बेचारी पे। तुमने रूमी को कॉल की? मैं फोन मिलाती हूँ। कोई फायदा नहीं है माहम, सैरिश ने मुझे बताया था कि उसने रूमी भाभी को खाली हाथ ही घर से निकाला है। गॉड। फिर भी मैंने उन्हें कॉल ट्राई की थी मगर रूमी भाभी का फोन बंद है। उससे ना बहुत बड़ी गलती होगी कि मैंने तुम लोगों के सामने डिस्कस भी कर लिया, नहीं बताना चाहिए था मुझे किसी को। मैं उसकी जिंदगी में आया था खुशियां लाने के लिए, उल्टा मैं ही सबब बन गया उसकी तकलीफ का। पता नहीं उसके घर वाले उसके बारे में क्या सोच रहे होंगे, कैसे करी होगी वो उनका सामना। रिडिकुलस। ये होता है जल्दबाजी का अंजाम। वो लड़की बेचारी बेमकसद तुम्हारे इश्क की भेंट चढ़ गई। और रूमी के घर वाले हम लोगों के बारे में क्या सोच रहे होंगे कि कैसे लोग हैं हम लोग। और तो और मुझे सैरिश पे हैरत हो रही है, सुबह होने तक का इंतजार नहीं किया उस लड़की ने। और रूमी की माँ के दिल पे क्या गुजरी होगी जब आधी रात को अपनी बेटी को इस हालत में देखा होगा उसने। और तुम्हारी इस हरकत ने हम सबको रूमी की बददुआओं में शामिल करवा दिया है। अब ये सारा मामला मुझे खुद संभालना पड़ेगा। मगर वो कैसे अंकल? माहम, तुम और सादिया रूमी घर जाओ और जाके उससे समझाने की कोशिश करो। मेरे ख्याल है वो मान जाएगी। और सादिया, आप ऐसा करें कि आप जाके रूमी की वालदा को समझाइए, उसे बताइए उस बच्चे के बारे में। बेचारी रूमी कितनी परेशान होगी यार उस बच्चे के बगैर।
ठीक है, कल मैं और माहम जाते हैं, जाके उन लोगों से बात करके आते हैं। रिशा तो बच्ची है, दोस्त की मोहब्बत में गलती कर ली उसने, लेकिन यहाँ तो सबके सब अकल से आ रही है, साथ बना रखा है। सारिम, तुम जानते हो ना तुम्हारे बाबा तुमसे बहुत नाराज हैं। मेरी तरफ देखो, कुछ नहीं हुआ। तुमने ख्वाब देखे, तुम्हें किसी की कोई ज्यादती, कोई जुल्म बर्दाश्त करने की जरूरत नहीं है। और मैं तुमसे वादा करता हूँ कि कुछ दिनों में तुम्हारा बेटा तुम्हारी गोद में होगा, ठीक है? तुम्हारा भाई भी जिंदा है। अम्मी, आप लेटाए से पानी लेकर आओ। मैं पढ़ के फूक लूं। मम्मा पप्पू क्यों रो रही हैं? अयान, जाओ अपने रूम में। आए आप भी। हाँ मैं आ रहा हूँ। अम्मी, पानी पीना तुमने? अम्मी ध्यान रखिए इसका, कुछ जरूरत ही तो मुझे बुला लीजिएगा, ठीक है? ठीक है, इस पर तुम्हारा मतलब। तुम अंकल की बातों की वजह से परेशान मत हो, थोड़ा वक्त गुजरेगा, हालात खुद ब खुद बेहतरी की तरफ चले जाएंगे। पर तुम ऑफिस भी नहीं जा रहे, संभालो खुद को सारिम। बाबा का रिएक्शन बिल्कुल ठीक था, मुझे तो अपने आप पे गुस्सा आ रहा है कि ये सब कुछ मैंने खराब किया है, सब कुछ मैंने किया है। सारिम, तुम तो इतने लकी हो कि तुम्हें इतने अच्छे पेरेंट्स मिले हैं जो तुम्हारे दर्द के साथ साथ रूमी के दर्द को भी महसूस कर रहे हैं। जबकि फैजान अंकल और कौसर आंटी रूमी के साथ इतना अरसा रहे हैं, उसके बावजूद रूमी को समझ ही नहीं सके। सुनी सुनाई बातों पे यकीन करके इस बेचारे को कसूरवार ठहरा दिया है। बस अब दुआ करो कि जब हम वहां पहुंचे तो सूरत हाल नॉर्मल रहे, सब कुछ ठीक हो जाए। अगर सब कुछ ठीक होना इतना आसान नहीं है। क्या मतलब? सारिम, रूमी का बच्चा छीना गया है उससे, उसका कोई रिएक्शन नहीं होगा क्या? माना कि तुम नहीं चाहते थे ये सब, लेकिन ना चाहने के बावजूद कहीं ना कहीं वजह तो तुम ही बने हो ना। इसी बात का तो पछतावा है मुझे कि मैं ही सब की वजह बना हूं। अच्छा तुम टेंशन नहीं लो, सब कुछ ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। रूमी प्लीज बेटा रोना बंद करो, मुझसे तुम्हारा इस तरह से रोना देखा नहीं जा रहा। देखो अल्लाह पे भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। मैं कुछ कहना चाहती हूँ, प्लीज मेरी बात गौर से सुनो। क्या कहेंगी आप, क्या कहेंगी?
हमदर्दी के दो बोल बोलेंगे। माफ कीजिएगा साथिया, अगर आज आप यहां मेरे घर पे बैठ के मुझसे बात कर रही हैं तो ये सिर्फ मेरा जर्फ है, वरना जिसकी बेटी को आधी रात को तन तनहा इल्जामात लगा के घर से निकाल दिया गया हो। बात करना तो बहुत दूर की बात, लोग आपको अपने दरवाजे पे दस्तक देने के लिए भी इजाजत नहीं देंगे। आंटी, आपका गुस्सा और रूमी का गिला बिल्कुल जायज है, लेकिन आप यकीन जानिए कि हमें बिल्कुल अंदाजा नहीं था ये सब कुछ रूमी के साथ हो जाएगा। अगर आप ठंडे दिमाग और इत्मीनान से एक बात सोचें तो सबसे ज्यादा बुरा तो रूमी के ससुराल वालों ने उसके साथ किया है। क्या इतने अरसे से वो रूमी को नहीं जान सके? आप इस बात को छोड़िए, मुझे ये बताइए कि क्या आप मेरी बेटी रूमी की पोजीशन उसके ससुराल में क्लियर करवा सकती हैं? क्या एक माँ और उसके बच्चे को एक कर सकती है? अगर सारिम ये कह दे कि उसने झूठ बोला था और वो सहरिश से शादी के लिए तैयार है तो फिर मैं समझूंगी कि हाँ वाकई ये आपकी हमदर्दी थी। खैर, सहरिश को तो अब मैं अपनी बहू बनाना नहीं चाहूंगी, लेकिन आप लोगों से वादा करती हूँ कि आहिल की कस्टडी में आप लोगों को दिलवा के रहूंगी। आहिल की कस्टडी अगर मिल भी जाए तो मेरी बेटी के ऊपर से बदचलनी का इल्जाम तो नहीं धुल सकता। आप मेरी बात का यकीन रखिए कि खुदा की जात बहुत बड़ी है, अगर एक कड़ी सुलझेगी ना तो सारे मामलात खुद ब खुद सुलझ जाएंगे। अल्लाह ने चाहा तो बहुत जल्द रूमी की बेगुनाही सामने आ जाएगी, लेकिन उस वक्त तक आप लोगों को बहुत हिम्मत और हौसले से काम लेना होगा। इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। मुझे सिर्फ अपना बेटा चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए। मेरा बच्चा मुझे मिल जाएगा तो सारे इल्जामात सारी तकलीफ भुला दूंगी, बर्दाश्त भी कर लूंगी। मेरी बेटी की अच्छाई ही उसकी सबसे बड़ी बुराई बना दी गई है। वो आप लोगों के हाथों बर्बाद होने के बावजूद भी अपने बच्चे से मिलने की आस में सब कुछ भूलने के लिए तैयार है। मैं अपने बेटे की वजह से बहुत शर्मिंदा हूं, लेकिन उसने सही बात गलत मौके पर कही। आप यकीन रखिए एक दिन सारी में रूमी की बेगुनाही साबित करेगा और बहुत जल्द आहिल इंशाल्लाह रूमी के पास होगा, ये वादा है मेरा आपसे। मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है क्या आपकी पेशकश कबूल ना करूं, क्योंकि उनके मुताबिक मैं किसी वकील का बंदोबस्त नहीं कर सकती और मैं नहीं चाहती कि रूमी इन सब मामलात में परेशान होती रहे। मेरा बेटा और बहू काम से बाहर गए, वो आते हैं तो मैं आपको जवाब देती हूँ। के वेट कर रहा था, सो ग्लैड आप लोग आ गए। क्या बात हुई? अम्मी बताए ना क्या बात हुई है। अम्मी मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूं, मुझे परेशानी हो रही है, प्लीज मुझे बताएं। सारे मैंने इतनी तकलीफ आज से पहले कभी महसूस नहीं की, और खास तौर पर रूमी को इस अजियत में देखकर और ये जानकर कि उसकी वजह मेरा बेटा बना है।
आंटी को तो सिर्फ सर दर्द था, लेकिन रूमी रूमी आहिल के लिए तड़प रही थी। रूमी की माँ के सर का दर्द तो जायज था, क्योंकि उसकी वजह उसकी बेटी है, और जो कि तुम्हारी वजह से हुआ है, वो बेचारी रूमी अपने बच्चे की वजह से बहुत परेशान है, तड़प रही है आहिल के लिए। खैर, मैंने बात की थी उन लोगों से, जब मैंने उनसे कहा कि बच्चे की कस्टडी के बारे में कुछ सोचे, तो काफी मुतमईन थे वो लोग। आपने जब कस्टडी की बात की तो क्या कहा उन्होंने? उन्होंने क्या कहना है तुम अच्छी तरह से जानते हो, आम घरानों के लोग क्या सोच सकते हैं इससे ज्यादा, कोर्ट कचहरी इसके बारे में सोच के परेशान हो जाते हैं। कह रही थी कि बेटे से बात करेंगी, उसके बाद ही कुछ जवाब देंगे। आई थिंक आंटी हमें उन्हें थोड़ा टाइम देना चाहिए। आई होप कि जो भी डिसीजन करेंगे वो बहुत अच्छा होगा। मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त है, मैं लॉयर है, इस तरह के केसेस बहुत अच्छे तरीके से डील करता है, मैं एक्चुअली उससे बात करता हूँ। तुम इस मामले से ना दूरी रहो तो अच्छा है, कोई जरूरत नहीं है तुम्हें कुछ करने की। मैं हूं ना, मैं सब देख लूंगी, तुमने जो करना था वो कर लिया। क्या बात है, तुम जब से रूमी के घर से आई हो बहुत खामोश हो, उदास भी लग रही हो। सारे मन जाने में से, कि जब हम दूसरों की खामोशी और उदासी का बायस बन जाए ना, तो साहिर हम कैसे खुश रह सकते हैं। महा, मैं तुमसे कुछ कह रहा हूँ। तुम सही कहते थे सारे, मैं बहुत बेवकूफ और जज्बाती लड़की हूँ, हमेशा कोई भी काम करने से पहले नहीं बाद में सोचती हूँ। ये सब करने के लिए भी मैंने ही तुम्हें उकसाया था ना सारिम, प्लीज मेरा यकीन करो, मेरी ऐसी कोई इंटेंशन नहीं थी, मैं सिर्फ ये चाहती थी तुम और रूमी खुश रहो। आई नो, प्लीज खुद को कसूरवार समझना बंद करो। मैं हूँ कसूरवार ना, मैं फैजान अंकल के सामने रूमी का नाम लेती ना, ये सब उसके साथ होता। बहुत बुरी हो सारिम। तुम बिल्कुल भी बुरी नहीं हो, इनफैक्ट तुम बहुत अच्छी हो, तभी तो तुम्हें रूमी की तकलीफ भी महसूस हो रही है। प्लीज फिक्र ना करो, पता नहीं क्यों मेरा दिल कह रहा है कि अब सब कुछ ठीक होने का वक्त आ गया है। सारिम, तुम रूमी की खुशियां से लौटा दो, रूमी का बच्चा उसे मिलवा दो, वरना मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। प्लीज ये रोना बंद करो, वरना मैं भी रोना शुरू हो जाऊंगा। एंड वन थिंग, तुम रोते हुए बिल्कुल ही अच्छे लगते। रिलैक्स। अम्मी, मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि आपने उन्हें अंदर क्यों आने दिया, दरवाजे से रुखसत कर देना चाहिए। आज रूमी के साथ जो कुछ भी हो रहा है ना, उसके पीछे वजह यही लोग। आरिफ बेटा, देखो जो मैं सोच सकती हूँ ना, वो तुम नहीं सोच सकते हो। वो हमारे घर आए मेहमान थे, तो अपने रवैये में लचक रखना बहुत जरूरी थी मुझे। वैसे हमें कोई वजह तो होगी जो सादिया आंटी जैसी इतनी अमीर और पढ़ी लिखी खातून स्पेशल उठ के हमारे घर आई है रूमी की हमायत करने के लिए। हाँ बिल्कुल, इसलिए कि वो अच्छी तरह से जानती हैं कि रूमी का सारे मामले से कोई लेना देना नहीं, ये बिल्कुल बेकसूर है, इसके साथ तो जाती हुई है। रूमी, तुम मुझे बताओ तुम क्या चाहती हो? मैं सिर्फ आहिल चाहती हूँ भाई, आप कुछ भी करके कोई भी तरीका अख्तियार करके साहिल मेरे पास ले। भाई देखो रूमी, अगर सादिया आंटी अपने सारे सोर्सेज इस्तेमाल करके तुम्हें कस्टडी ले भी देती है ना आहिल की, तो तुम संभाल नहीं पाओगे उसको। भाई उसको इतनी आदत हो गई है अच्छी सहूलियात में रहने की, और तुम्हें तो पता है कि तुम्हारा भाई इतना खर्चा नहीं उठा सकता। शानजे, अभी 2 दिन हुए नहीं और तुम्हें खर्चों की फिक्र पड़ गई। शानजे, तुम ना प्लीज
प्लीज अपना मुंह बंद रखा कर, क्योंकि जब भी तुम मुंह खोलती हो ना फजूलियात ही उगलती है। आप फिक्र ना करें भाभी, मैं जॉब कर लूंगी, आप पर कभी बोझ नहीं बनूंगी मैं। बेटा क्या हो गया तुम्हें? तुम्हारा भाई अभी जिंदा है और तुम्हें अपनी भाभी को किसी भी बात की वजाहत देने की कोई जरूरत नहीं। और फिक्र ना करो, मैं सिद्दीकी साहब से खुद बात करूंगा आयल की कस्टडी, तुमने परेशान नहीं होना। बस भाई, कोर्ट कचहरी के चक्कर लगेंगे अब। शानजा तुम्हें काम क्यों नहीं करती, तुम ना कुछ दिनों के लिए अपनी अम्मी के यहाँ चली जाओ, हमें भी सुकून मिल जाएगा। पता नहीं एक तो इस घर में मेरा ही वजूद हर किसी को क्यों खटकता है। भाई जो मर्जी करें मेरी तरफ से, जाए कोर्ट कचहरी, बनाए अपना तमाशा। शानजे नीचे जाओ। देखिए आप लोग प्लीज इसकी बातों का बुरा मत मानिएगा, ये तो ऐसी बोलती रहती है। और उमी, जो तुम चाहोगी ना वही होगी, और तुम्हारा भाई भी समझ, मेरे पास में जो कुछ होगा ना मैं उससे बढ़ के करूंगा अपनी बहन के लिए। जीते रहो बेटा, जीते रहो। ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है खाला जान, मुझे इतनी जल्दी नहीं करनी चाहिए थी। चलो अब जो हो गया ना उसे बदला तो नहीं जा सकता, लेकिन हाँ जो होने जा रहा है उसे रोक कर हम रूमी की मदद जरूर कर सकते हैं। सारे रूमी तो यही समझती है ना कि तुमने उसको यूज किया है सैरिस से ना शादी करने के लिए। That's my problem. उससे हकीकत पहुंची भी तो गलत तरीके से। तुम्हारी सैरिस से बात हुई? नहीं सारेम भाई, मेरी कोई बात नहीं। देखो ऋषा, तुम ऐसा करो, तुम जाओ और जाकर उससे मिलो, बात करो, पता तो चले कि उसके दिमाग में चल क्या रहा है। फिर मैं चाहती हूँ कि सारे मामला प्रॉपर तरीके से सॉल्व हो जाए। सही है, मैं उससे मिलती हूँ। बस एक बार तुम मेरी जिंदगी में आ जाओ, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हारी सारी तकलीफों को मदावा कर दूंगा और तुम्हारे आयल को ताबिश से ज्यादा मोहब्बत दूंगा। सैरिश, तुम्हें सारे भाई से बात करनी चाहिए, सारा गुस्सा रूमी भाभी पे क्यों निकाल दिया? तुम यहाँ रूमी की हिमायती बनकर आई हो? रूमी की हिमायती होती तो तुम्हें कॉल ना करती, मगर जब मुझे ये पता चला कि रूमी भाभी की इसमें कोई गलती नहीं है, सारे भाई दिल दे बैठे। बस अभी बकवास यार, नहीं सुनना मुझे कुछ। सैरिश प्लीज काम डाउन, क्या हो गया है तुम्हें? कम से कम आहिल के बारे में सोचो, तुम इतने छोटे बच्चे को माँ से अलग कैसे कर सकती हो? आहिल, एक आहिल ही तो है जिसके सहारे मैं अपनी बेइज्जती का बदला ले सकती हूँ। रूमी, आहिल के बगैर वो ज्यादा देर रह नहीं पाएगी, मजबूर होकर वो मुझसे जल्द रابطہ करेगी, मुझे ये यकीन दिलाने के लिए कि उसके और सारेम के बीच में कुछ नहीं, और इसी बात का मैं फायदा उठाऊंगी। कैसा फायदा? शर्त, शर्त रखूंगी, रूमी को इज्जत के साथ इस घर ले आऊंगी अगर वो सारेम को मुझसे शादी के लिए राजी कर ले तो। सैरिश, तुम क्या कह रही हो? तुम्हें अभी भी लगता है कि सारेम भाई तुमसे शादी के लिए राजी हो जाएंगे? हाँ तो जो मेरा है वो सिर्फ मेरा है, और अपनी बेइज्जती का कर्जा भी तुम्हें उतरवाना है। चाहे जो मर्जी हो जाए, सारेम से शादी मैं करके रहूंगी। मैं चाहती हूँ कि मेरी ये बात रूमी तक तुम पहुंचाओ, वो तुम्हारी बात पे यकीन करेगी। मैं तुम्हारे इसमें कैसे मदद करूं? मैं कुछ नहीं चाहती ऋषा, मेरी दोस्ती का सबूत दो, मैसेज करो, कांटेक्ट करो, जो मर्जी करने करो, लेकिन ये करके दिखाओ मुझे। वो
मुझे उम्मीद है जब रूमी को आहिल की कस्टडी मिल जाएगी तो हो सकता है उसका दिल मेरी तरफ से साफ हो जाए। अगर सारे रूमी की जिंदगी में हादसे पे हादसा होता जा रहा है, ऐसे में फौरन से किसी पे यकीन कर लेना उसके लिए आसान नहीं है। यू राइट। मैं जानती हूँ कि तुम्हारी मोहब्बत रूमी के लिए बेलॉस है, बेगर्ज है। अल्लाह ताला आगे भी कोई सबब बना देगा। एक दफा आहिल की कस्टडी रूमी को मिल जाए तो मेंटली तौर पे वो ठीक हो जाएगी। I really hope so. I hope ऐसा ही हो। इंशाल्लाह। वैसे भी सब मामला आंटी अंकल ने अपने हाथ में ले लिया है तो कोई अच्छा डिसीजन ही करेंगे ना। तुमसे सैरिश ने कोई राबता किया? नहीं, कोई राबता नहीं किया, और अगर करेगी भी तो मैं उससे बात नहीं करना चाहता। तुम्हें पता है उसने अरिशा से क्या कहा है? क्या? उसने कहा है कि अगर सारे मुझसे शादी करेगा तो वो रूमी को घर वापस ले आएगी। क्या? वाओ, कोई इतना कैसे गिर सकता है वैसे? I don't know. Really sad.